ठीक है, ऋषभ देवता का वहां कलश होता है। ओके ठीक है। उसके बाद ये चार जो आपको अलग दिखाई पड़ रहा है, ये चार वेद है, चार जो कलश चारों कोने में दिखाई पड़ रहा है, ये चार वेद है। ठीक है, उसके बाद वहां जो दिखाई पड़ रहा है वो है षोडश मातृका, 16 माताएं जो होती हैं, 16 माताओं का ये है ग्रुप है, तो उनको षोडश मातृका बोलते हैं, षोडश मातृका स्थान है। तो 16 वो पिंडी बनाई है, ये रख करके चावल रख करके और एक एक कचहरी रख करके और बीच में वो है, वो जो दिखाई पड़ रहा है पीला रंग का, उसको बोलते हैं सप्तधित मातृका। ओके, वो लक्ष्मी का है, वो सिंबल बनाया जाता है सप्तधित मातृका। वो घी से ऊपर से, मतलब वो जो देखना ऐसे गोल्ड बना हुआ, वहाँ क्या कहते हैं मध से उसको चिपकाते हैं सिक्का को, और उस पर से घी डालते हैं। जब घी नीचे गिरता है तो नीचे जो ये बने रहते हैं, मतलब छोटे छोटे डॉट्स बने रहते हैं, उसको जोड़ना होता है सप्तधित मातृका, और उसके बाद पूजा होता है हवान, इस तरह से सप्तधित मातृका हो गई। ठीक है, ये बीच में देख रहे हैं तो प्रधान पीठ बोलते हैं, ये माता का हो, माता का पिंड बना है बीच में। ठीक है, इधर जो साइड में देख रहे हैं ये नवग्रह है, नवग्रह हो गए। ठीक है, और सामने माता का फोटो है, और उसके नीचे मेरू रखा हुआ, और बाकी तो ये घर है।